Hello, good morning, my dear friends. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lavar sir from Chemistry Adda. And you all know that, my dear students, in previous classes, we have already discussed about the chapter name, the topic name is Chemical Equation and Reaction, Class 10 CBSE Board. And now, today's class, we are going to discuss that's how to balance a chemical reaction, an equation. But in previous classes, my dear students, some reactions already have balanced by algebraic methods, not hit and try method. And now today's class or aaj ki jo class hai, hum log sikhenge kuch alag alag different type ke chemical reaction. ठीक है, हालांकि पिछले क्लास हम लोग 3-4 क्वेश्चन रिवीजन की कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है एल्जेब्रिक मेथड से. और आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, आज हम लोग कुछ फिर से रिपीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन को दोबारा बनाएंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग अपने मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे. तो चलिए बने रहे मेरे साथ. और हाँ, और जहाँ भी दिक्कत होगा, जहाँ भी तकलीफ होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी परेशानी को हम समझ सके और उसका सलूशन जल्द ही जल्द आपको टेक्निकल टीम के द्वारा दिया जाए. तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, पिछला क्लास हम लोग सीखे थे अल्जेब्रिक मेथड से कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है. और आज फिर से हम 2-4 क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कुछ पिछले क्लास का हम लोग रिविजन करेंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए आपके सामने हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है. जैसे आपके सामने हम रख लिए Mg3P2 प्लस H2O और ये बनाएगा आपका MgOH का होल 2 प्लस PH3. ये आपका रिएक्शन दिया हुआ. अब इस रिएक्शन को आपको एल्जेब्रिक मेथड से बैलेंस करना है. कौन सा मेथड से बैलेंस करना है? एल्जेब्रिक मेथड से आपको बैलेंस करना है. ठीक है, अल्फाबेट जो हम लोग मान लिए थे ए बी सी डी के हिसाब से. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको पिछला क्लास बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके जगह पर आपको एल्जेब्रिक मेथड्स का यूज करना पड़ेगा. तो मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है और ना ही डराना है किसको, हमको इस रिएक्शन पर डराना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी डी हम लोग अलग अलग कॉलम बना लेते हैं. ठीक है, चलिए तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं ए, यहाँ पर क्या मानते हैं बी, यहाँ पर क्या मानते हैं सी और यहाँ पर क्या मानते हैं डी मान लेते हैं. यही ना करते हैं ए बी सी डी, जहां पर हम लोग वैल्यू बैठाते हैं उस वैल्यू के जगह पर हम लोग अल्फाबेट मान लेते हैं. ठीक है, अब क्या करना है आपको, सभी एलिमेंट्स का कॉलम बना लेना आपको अलग अलग, जैसे एक एक एलिमेंट्स का आपको कॉलम बना लेना है. यही ना सीखे थे विनोद? तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट क्या है, एम जी है. माय गॉड, तो यहाँ पर आपको लेना क्या है, यहाँ पर एम जी लेना है. सबसे पहला एलिमेंट क्या लेना है, एम जी लेना है. एम जी के बाद देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सर पी है. P2 नहीं, P सिंगल एलिमेंट को लेना है, एटम के फॉर्म में लेना, समझ में आ रहा है ना, एटम के फॉर्म में आपको रखना. Mg का, Mg होता है फास्फोरस का, P होता है, ठीक है, आप P4 रहेगा तो P4 मत बैठाना, P ही बैठाना है. ठीक है, तो आपको यहाँ ले लेना है P. फिर इसका घर कलम हो गया. अब देखिए ये दोनों कंप्लीट हो गया. अब आया हाइड्रोजन, क्या आया है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ले लेना हाइड्रोजन को. अब जैसे हाइड्रोजन का कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन के बाद आपका क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ ले लेना ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब उधर चलो सर, एक ही तरफ लेना, या तो रिएक्टेंट को लो या तो प्रोडक्ट को लो, दोनों तरफ से नहीं मिलेगा. ठीक है, कुछ दूसरा और मिलेगा, देख लो फिर भी मिला लेते हैं, मन में शांति मिल जाए. ठीक है, कोई और तो मिले चाहे नहीं मिले. अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है आपके सामने, फॉस्फोरस है आपके सामने, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. सर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है. तो सभी एलिमेंट्स का क्या करना है, आपको एक कॉलम बना लेना है. क्या करना है, कॉलम बना लेना है. और कॉलम बनाने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने मोहब्बत को. सर मोहब्बत कैसे करना है, चलिए आपको सिखाते हैं कैसे करना, टेंशन नहीं लेना. देख लीजिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हम लोग चेक करेंगे कि रिएक्शन से पहले कितने रिएक्टेंट थे और रिएक्शन के बाद कितने रिएक्टेंट हो गए हैं. तो आपको जैसा कि पता होगा, रिएक्शन से पहले, बिफोर रिएक्शन, यू हैव टू चेक आउट द हाउ मेनी रिएक्टेंट इन लेफ्ट साइड एंड आफ्टर रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट इन राइट साइड. ठीक है, तो
तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग एम जी का, किसका एम जी का। तो यहाँ पर एम जी कितने मोल में है, 3 मोल। अरे यहाँ पर एम जी कितना है, 3 मोल है ना एम जी, ये 3 mg है किसके साथ, ए के साथ। देख लो ये हम लोग अल्फाबेट माने ना ए बी सी डी करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एम जी जो है, एम जी 3 मोल है, 3 mg है किसके साथ, ए के साथ। आपको इस तरह दिखाना, 3 mg है ए के साथ, ठीक है, 3 mg है ए के साथ। अब चेक करो और कहीं एम जी है क्या लेफ्ट साइड में, कहीं भी अगर एम जी है देख लो, या इधर कहीं एम जी सर नहीं दिखाई दे रहा, अब नहीं दिखाई दे रहा तो राइट में उधर चला जाओ, राइट साइड में एम जी चेक करेंगे सर, एक ही एम जी है सी के साथ, तो सिर्फ सी लिख देना, सिंपल लिखना, लेफ्ट में कितना है राइट में कितना और किसके साथ है, खत्म। चलिए पी के पास चलो, तो सर यहाँ पी 2 है, कितने मोल पी है, 2, ठीक है, 2 मोल पी है ए के साथ, ए के साथ है ना ये पी 2, ठीक है, तो 2p है ए के साथ, 2 फास्फोरस है ए के साथ, और कहीं फास्फोरस लेफ्ट साइड में, सर लेफ्ट साइड में और फास्फोरस नहीं, तो राइट चला जाओ, राइट जाने से हम लोग क्या करते हैं इक्वल देते हैं, तो राइट में फास्फोरस यहाँ पर एक ही है डी के साथ, तो ओनली लिख देना डी, ठीक है। अब आ जाओ हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है बी के साथ, यानी 2 हाइड्रोजन है बी के साथ, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है आपका बी के साथ, और इधर कहीं हाइड्रोजन तो नहीं है तो उधर चला जाओ। राइट साइड में जब जाएंगे तो यहाँ भी देखेंगे 2 हाइड्रोजन, देखो हॉल टू लगा हुआ, ध्यान देना हॉल टू लगा हुआ, यानी 2 हाइड्रोजन है सी के साथ, 2 हाइड्रोजन है आपका सी के साथ, ठीक है। और कहीं हाइड्रोजन है, जी सर यहाँ पर हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन डी के साथ, तो +3d कर देना, +3d ये तो करना था। चलिए अब आ जाओ ऑक्सीजन के पास, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास जब जाएंगे तो देखेंगे लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन आपका एक है बी के साथ, एक ही ऑक्सीजन है बी के साथ। राइट साइड चला जाओ, तो राइट साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 ऑक्सीजन है, देखो हॉल टू लगा हुआ, यानी 2 ऑक्सीजन आपको सी के साथ दिखाई देगा, 2 ऑक्सीजन सी के साथ, यही तो खेला था और कुछ करना ही नहीं, और कुछ नहीं करना है, इतना कलम अगर आपने बना लिया, ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया, दैट्स ऑल। अब क्या बताए थे हम पिछला क्लास, थोड़ा सा रिकॉलिंग पावर को बढ़ाओ, मेमोरी पावर को अपना बढ़ाओ, हम क्या बताए थे कि किसी एक को, कोई भी अल्फाबेट जो है उसमें से किसी एक को क्या मान लेना, आपको 1 मान लेना है, क्या मान लेना है, 1 मान लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए 1 मान लेते हैं, चलिए यहीं पर उसी को 1 मान लें हम लोग, किसको, या ए को 1, लेट ए को ही मानते, ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1 यहाँ पर जब वैल्यू बैठाएंगे 3 × 1 इज इक्वल टू सी, यानी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 1 यानी 3, ठीक है। अब देखो यहाँ ए का वैल्यू हम लोग 1 माने थे, तो ए का वैल्यू जब 1 मानेंगे तो 2 × 1 इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, सी का वैल्यू मेरे पास 3 है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 3, यानी बी इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। चलिए अब इसको आगे बढ़ाओ, देखो बी का वैल्यू 6 है, तो 6 × 2 कितना आ जाएगा 12, डायरेक्ट 12 कर दी, अरे समझ में आ रहा ना, बी का वैल्यू 6 है और 6 को यहाँ बैठा दिए तो 12 हो गया, इस पर 2 × c, c का वैल्यू कितना है 3 है, तो 2 × c, 2 × 3 6 हो गया, प्लस d, हालांकि आप सॉल्व करने का जरूरत नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, क्यों सॉल्व करने का जरूरत नहीं, देखिए इसको सॉल्व करने का जरूरत हमको पड़ा ही नहीं, क्यों सर, क्योंकि a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, d पता चल गया, तो फिर क्यों सॉल्व करेंगे उसको, चार चीज तो निकालना ही, a का वैल्यू 1, यहां पर 1 बन दो, कुछ नहीं 1 लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, सर बी, डी का वैल्यू 6, तो यहाँ पर बैठा दो 6, सी का वैल्यू 3, यहाँ पर बैठा दो 3, डी का वैल्यू 2, यहाँ पर बैठा दो 2, बस दैट्स ऑल, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा हमको, यही तो था। बताइए इसमें से कहीं किसी को परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट दिल में छोट नहीं ना, नहीं। चलिए तो आगे बढ़ाएंगे आप लोग, इस टाइप के रिएक्शन आपको एग्जाम में 5 नंबर का जो है पूछा जाता है, क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बहुत सारे क्वेश्चन, और आज भी एक एग्जांपल देके आपको हम समझा दिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो कि किससे बनाना, और इसके बाद भी, इसके बावजूद भी अगर आप इसके बाद मतलब जो भी आपको परेशानी होती है तो आप मुझे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को, धीरे धीरे देखेंगे है ना, और अपना स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला स्टेप हम लोग का क्या है और कैसे है। तो अगला स्टेप देखिए, ध्यान देना, अगला स्टेप मैंने एक रिएक्शन लिखा था, नॉर्मल सा रिएक्शन पिछला क्लास मैंने लिखा था,
क्या लिखा था कि a प्लस बी और ये दोनों रिएक्शन करके सबको इधर क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है। एक रिएक्शन आपके सामने लिया गया है a प्लस बी और वो दोनों रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, सी और डी बना रहा है। क्या बना रहा है, सी और डी बना रहा है। अब क्या करेंगे इसमें कि सर ये दोनों को हम लोग क्या बोले थे, रिएक्टेंट बोले थे। क्या बोले थे, रिएक्टेंट बोले थे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बाकी आप खाली समझिए और हल्का हल्का नोट करते चलिए ताकि जो देखिए कोई भी चीज अगर आपने आप अपने कलम से नोट्स बनाते हैं, ठीक है, अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं, किसी के द्वारा नहीं, आपके अपने कलम और हाथ से, तो वो जो रिटेन आप लिखते हैं, वो जो नोट्स आप बनाते हैं, आपका माइंड में सेट होता है। क्या होता है, माइंड में सेट होता है, तो वो जल्दी जो है आपका याद हो जाएगा, रिकॉलिंग पावर उसका बढ़ जाता है। और किसी के द्वारा लिखा हुआ को आप कॉपी कर लेते हैं, जेरॉक्स कर लेते हैं, जेरॉक्स मार लेते हैं, तो वो फिर आपको भूलने में जल्दी आसानी होगी। ठीक है, इसलिए आपको जल्दी तो भूलना है नहीं, और जल्दी अगर नहीं भूलना है तो अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। ठीक है, समझते चलिए जैसे जैसे बता रहे हैं, बाकी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और ये जो कोर्स चल रही है आपका क्लास 10th का, फुल्ली साइंस रहेगा इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट का दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बात करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट का। तो ये दोनों हो गया आपका रिएक्टेंट और ये दोनों हो गया आपका प्रोडक्ट। क्या हो गया, प्रोडक्ट। सवाल उठा सर रिएक्टेंट किसको कहते हैं, कि रिएक्शन से पहले बिफोर रिएक्शन दोज केमिकल सब्सटेंस दैट इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको कहते हैं सर, द न्यू सब्सटेंस। ये प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा न्यू सब्सटेंस होता है, ये जो होता है ये आपका न्यू सब्सटेंस होता है। ठीक है, नया चीज बनता है कब, रिएक्शन के बाद। तो ये था आपका रिएक्टेंट और ये था आपका प्रोडक्ट, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, सर नहीं है। अब चलेंगे केमिकल रिएक्शन के बाद, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। एकदम स्टेप को एक एक पॉइंट को समझते जाना, ठीक है, डरना नहीं है ना ही डर घबराना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो सर केमिकल रिएक्शन होता क्या, पहले स्टेप को समझो, पॉइंट्स को समझो, फिर हम लोग अपने मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या, केमिकल रिएक्शन है क्या जी। ठीक है, लैंग्वेज का टेंशन मत लो, ठीक है, लैंग्वेज का टेंशन एकदम नहीं लेना, क्योंकि लैंग्वेज आपके एप्लीकेशन पीडीएफ पर ऑलरेडी हम जो है सेटअप कर चुके हैं और दे दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप सिर्फ मीनिंग को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि आप समझ जाते हैं तो किसी को समझा सकते हैं, और अगर लिखोगे तो लिखते रह जाते, लेकिन हाँ अपना नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, चलिए किसी को कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा तो नीचे टोल फ्री नंबर आपके सामने दिया हुआ, इस टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या बता रहे थे कि सर ये जो केमिकल रिएक्शन होता क्या, अभी हम लोग सीखें इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या सीखें इस रिएक्शन में, कि दो सब्सटेंस था ए और बी, था ना, दो सब्सटेंस क्या था, ए और बी दो सब्सटेंस था, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना रहा, सी और डी बना रहा। ठीक है, सी और डी बना रहा। अब तो इसमें हमको क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, इस ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है, इसमें हमको क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन क्या एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है। आराम से समझना, प्यार से समझना केमिकल रिएक्शन। देखिए लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज आपको अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो केमिकल जो रिएक्शन है ये क्या है, प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में सर क्या होता है, तो इस प्रोसेस में मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन। क्या होता है इसमें, कि नया प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नया प्रोडक्ट जो है कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सिंपल सिंपल सी प्लस ओ टू बन जाएगा सी ओ टू। ठीक है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएं तो नया प्रोडक्ट सी ओ टू बनता है, एम जी प्लस ओ टू तो बन जाएगा आपका एम जी ओ। ठीक है, बैलेंस बाद में हम लोग करते रहेंगे,
तो इस टाइप के जो है रिएक्शन हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आगे हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, चैप्टर का एक एक पॉइंट्स एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक भी टॉपिक एक भी पॉइंट्स हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन का हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, नेचर है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और हर स्टेप को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप समझिए यानी मैं सक्सेस हो, क्योंकि आपको समझाने के लिए ही मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज में देखेंगे सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मीनिंग को समझना सिर्फ, ये होता क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता क्या, पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझो, इसका मीनिंग को समझो, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो इसको भी नोट कर लेना, फिर इधर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस, माय डियर स्टूडेंट्स, द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए, बहुत सारे केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दिखाई देंगे, तो ऐसे ऐसे रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, गैस फॉर्म होता है, दोज रिएक्शन इन व्हिच गैस इज फॉर्म्ड, वैसे बहुत सारे रिएक्शन यानी वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, गैस का निर्माण होता है, गैस फॉर्म होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टीज है उसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी सिंपल से समझना है कि ये जो इवोल्यूशन ऑफ गैस इसमें क्या बता रहा है कि सर इसमें जो है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, समझना, शॉर्ट में समझा रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो इस केमिकल रिएक्शन में गैस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगा। सभी केमिकल रिएक्शन नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होते हैं, गैस प्रोड्यूस होते हैं, गैस फॉर्म होते हैं, और इस टाइप के रिएक्शन के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर है। चलो, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो सिंपल एग्जांपल देखो कि जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, कौन, जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। देखो, तो जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस, वेपर बनके मतलब गैस के फॉर्म में क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर, ठीक है, आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, और इस टाइप के जो रिएक्शन आपको मिलता है, केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर टू की बात करते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 जिसमें बनता है आपका ZnSO4 प्लस H2, देख सकते हैं दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन के प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा प्रॉपर्टीज की अगर बात किया जाए तो दूसरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है आपके सामने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका मीनिंग को समझना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द स्टेटमेंट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जो सर सेंटेंस आपने लिखा है, ये जो आप सेंटेंस लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का ये भी एक प्रॉपर्टीज है जो केमिकल रिएक्शन शो करता है। देखिए, प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है, जैसे आपका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यानी मेरे या फिर मेरे प्रॉपर्टीज आप पढ़ लिए, तो देट इसका, एक मिनट, आवाज आ रही है सबको, चलिए कोई तकलीफ नहीं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज का मीन्स, जैसे आप मेरे प्रॉपर्टीज के बारे पढ़िएगा यानी मेरे नेचर के बारे पढ़िएगा, मेरे गुण के बारे पढ़िएगा, आपका प्रॉपर्टीज, तो आपका क्या क्या नेचर है, कहाँ क्या कंडीशन शो करते हैं,
ठीक है, कब पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, कहाँ कैसा बिहेवियर करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या शो करता है, केमिकल रिएक्शन क्या क्या दिखाता है, केमिकल रिएक्शन क्या क्या एब्जॉर्ब करता है। तो पहला क्या था कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो गैस प्रोड्यूस करता है, पहला। दूसरा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मींस क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज प्रिसिपिटेशन, व्हाट इज प्रिसिपिटेट रिएक्शन, इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का मतलब होता क्या है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का मींस होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है। ये सिर्फ अपना हैंड राइटिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी नोट्स आपके जो है PDF वहाँ पर डाल दिया गया है, फ्री नोट्स में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपको जिस बैच में आप क्लास कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका PDF दिया गया। तो कोई भी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है और जिसमें क्या होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्म में कुछ सब्सटेंस जो है बच जाता है, कुछ सब्सटेंस जो है वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट है, जो सब्सटेंस है, कुछ सब्सटेंस प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, बच जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और इस टाइप के रिएक्शन को, इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। आप देखे होंगे घर में, आप सर जो है गर्मी के दिन में या जैसे भी बहुत सारे ऐसे मान नहीं करता तो खाने का शरबत आप बनाते होंगे, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। तो आप वाटर लेते हैं, वाटर में शुगर को डालते हैं, चीनी के, समझ में आ रहा है, पनिया में चीनी डालना है। ठीक है, तो जैसे पनिया में चीनी डालेंगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा, क्या बनेगा, शरबत बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। अब देखना तुम कभी कभी जो चीनी का पार्टिकल है, चीनी का जो कण है, शुगर का जो कण है, वह नहीं डिजॉल्व होता है, घुलता नहीं है, कुछ कुछ सेटल डाउन रह जाता है, बैठ जाता है नीचे जाके। शरबत बनाने के बाद देखना चीनी का जो कुछ कण है, कुछ पार्टिकल, वो नीचे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है, तो हम समझने के लिए बताएं आपको। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। ठीक है, देख लो, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। ठीक है, वैलेंसी पता है ना सबका, फॉर्मूला लिखने के लिए आता है ना, नहीं आता तो बस रटते रह जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वैलेंसी याद करो, वैलेंसी से फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला से रिएक्शन याद करो। ठीक है, ठीक, जैसे नाम मैंने बोल दिया पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, रोड में नहीं, ठीक है, चला जाएगा बोरान में सब। तो पोटेशियम आयोडाइड का Ki हो गया प्लस, आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट, क्या है, लेड नाइट्रेट, दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है PbI2, ठीक है, प्लस KNO3, क्या बनता है, PbI2 प्लस KNO3, यानी लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब ये जो PbI2 है, ये जो लेड आयोडाइड है, लेड आयोडाइड, यही आपका प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट ये आपका क्या है, प्रिसिपिटेट है। यानी जब ये दोनों को रिएक्शन हम लोग कराते हैं, अभी बैलेंस क्या हुआ नहीं, खाली समझो मीनिंग को, ठीक है, बैलेंस क्या हुआ नहीं है, यहाँ पर बैलेंस को आप, आपको सिखाएं बैलेंस करने के लिए, आप कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है कि जब ये दोनों रिएक्शन आपस में कर रहा है, कौन कौन, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, जब ये दोनों रिएक्शन करता है आपस में तो बना देता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, ये दो सब्सटेंस आपका प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें से एक सब्सटेंस है आपका PbI2 और इसका नाम है लेड आयोडाइड, जो कि किस फॉर्म में है, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, यानी ये क्या होता है, रिएक्शन के बाद जम जाता है, बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, पूरी तरह रिएक्शन नहीं करता है, और इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं तो नंबर थर्ड में दिया चेंज इन कलर, चेंजिंग कलर, चलो इसको समझते हैं, चेंजिंग कलर को आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा चेंजिंग कलर होता क्या या है क्या। आपको पता होगा
बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ अलग दिखाई देता है। सीधी सी बात है, आप घर में गुस्साते होंगे तो गुस्साने से पहले आपका चेहरा का स्माइल कैसा रहता है, गुस्साने के बाद का स्माइल कैसा रहता है, समझ रहा ना विनोद जी से। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि चेंज इन कलर क्या बताया गया है, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर का मीन्स क्या बता रहे हैं कि मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा, सपोज दैट, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इस केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन मान लो दो सब्सटेंस है या एक ही सब्सटेंस है, ठीक है, ए प्लस बी, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सी प्लस, ठीक है, एक रिएक्शन है ए प्लस बी और रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा। सपोज दैट यू सपोज दैट द कलर ऑफ ए इज रेड, द कलर ऑफ ए इज रेड, बट बिफोर रिएक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर रिएक्शन द कलर ऑफ ए इज रेड एंड आफ्टर रिएक्शन द कलर ऑफ द सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट सी एंड डी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज येलो, ठीक है, रिएक्शन से पहले का कलर जो था रिएक्टेंट का वो आपका रेड था, जब दोनों आपस में रिएक्शन किया, ठीक है, तो रिएक्शन किस में कन्वर्ट, कलर किस में कन्वर्ट हो गया आपका, येलो में, एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे नंबर फोर को पढ़ेंगे हम लोग। नंबर फोर में है चेंज इन टेम्परेचर, नंबर फोर में आपको क्या दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा अच्छा से और आगे भी समझेंगे अच्छे से ही, स्टार्टिंग से भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, दो टाइप्स का आपका प्रॉपर्टी शो करते हैं चेंज इन टेम्परेचर में, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चेंज इन टेम्परेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक आता है इंडोथर्मिक, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेनेवर यू टेक चेंज इन टेम्परेचर, द फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड द सेकेंड इज इंडोथर्मिक। ध्यान देना दोनों ही समझने वाली रिएक्शन है, समझने वाली बात है। तो यहां पर डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक है आपका एक्सोथर्मिक, और एक है आपका इंडोथर्मिक, ठीक है, एक है आपका एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या है आपका इंडोथर्मिक है। तो आपको जैसा कि पता होगा एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए एक्सोथर्मिक दैट मींस जिसमें हीट आपका रिलीज होता है, क्या होता है, हीट रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं, और इसमें क्या होता है आपका हीट एब्जॉर्ब होता है, चाहिए दोनों में ही डिफरेंस। पहला का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो हीट रिलीज होगा, जैसे आप एन टू प्लस एच टू रिएक्शन करा रहे तो बनता अमोनिया प्लस हीट, इसमें रिलीज होता है, ठीक है। अमोनिया जो जब बनता है, व्हेनेवर अमोनिया इज फॉर्म द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन देन अमोनिया इज फॉर्म एंड ऑल्सो हीट इज रिलीज एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड नाउ सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स इंडोथर्मिक, दैट मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब, यू हैव टू टेक हीट, ओके। एंड नाउ द रिएक्शन द एग्जाम्पल इज लाइक CaCO3 and you have to take heat for break the substance, कि केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए आपको हीट का जरूरत पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका CaO plus CO2, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग करेंगे एक्सोथर्मिक और एक आएगा आपका इंडोथर्मिक। बताइए कहीं प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, दिल में दर्द है, दिल में चोट है, नहीं ना है किसे, चलिए तो आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट नंबर फाइव, चेंज इन फिजिकल स्थिति या स्टेट।
ये नंबर फोर्थ पॉइंट था हम लोग। नंबर फाइव में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन स्टेट। क्या डिस्कस करेंगे? चेंज इन स्टेट के बारे में। किसके बारे? चेंज इन स्टेट के बारे। तो चेंज इन स्टेट होता क्या है, मीनिंग को आपको समझना है, ठीक है। और कुछ कुछ देखिए, आपको एप्लीकेशन पर आप क्लास ले रहे हैं या लिए होंगे प्रीपेड क्लास, और बहुत सारे ऐसे क्लास है जो यूट्यूब पर भी आपको फ्री क्लास आपको मिलेंगे, लेकिन उतने खास जो है पूरे डिटेल के साथ, या फिर आप बोला जाए कि पूरा चैप्टर कवर नहीं किया जाता है, लेकिन एप्लीकेशन पर हर एक टॉपिक का, हर एक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक का डिक्लेरेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाता है, इस पे गौर कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे चेंज इन स्टेट के बारे। किसके बारे? चेंज इन स्टेट के बारे। और चेंज इन स्टेट मीन्स क्या होगा? देखिए, स्टेट आपको तीन टाइप, देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे एग्जांपल, स्टेट में क्या होता है, मान ली कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सपोज दैट कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन से पहले का जो स्टेट है उसमें क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आप रिएक्शन कर सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी आपका गैस के फॉर्म में है। हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो आपका बना देता है 2H2 लिक्विड। यहाँ पर 2 लगा देना, ये आपका वाटर बन गया लिक्विड। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर रिएक्शन स्टेट क्या था, गैस के फॉर्म में, एंड आफ्टर रिएक्शन स्टेट किस में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। तो ये रहा आपका चेंज इन स्टेट। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था, आज का जो टॉपिक था, आज की जो क्लास थी, यही तक थी हम लोग के कि केमिकल रिएक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फिर अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।